कवि ने लिखा है कि मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, और तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखियां प्यासी प्यासी। कहने लगे ओ शक्ति सिंह, तू मेरी माँ का जाया भाई है और आज दुश्मन के साथ खड़ा है, मौका देख करके मुझे मारने के लिए आया है। कोई बात नहीं, मैं तेरे भाले से मर जाऊंगा, लेकिन मुझे जब वीर गति मिलेगी और भारत माता की गोदी में बैठने का मौका मिलेगा तो सुन, भारत माँ की गोदी में बैठ करके मैं रोऊंगा नहीं बल्कि एक बात कहूंगा। क्या? और बुजुर्गों, दो ही लाइनों में कवि ने कमाल कर दिया, अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो सुनना और ताली बजा के भी बताना। बोलिया रे मेरा सीना खुलिया मार भाला, तम गोद गुलामी की टिकन लगे, और बुजुर्ग यूं कह दिया, अब भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे, सीना खुलिया मार भाला, तम गोद गुलामी की टिकन लगे, अरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे, सीना खुलिया मार भाला। शक्ति सिंह करी खाके हैसियत तुमने माँ के आंचल की, गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की, वो गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की, शुद्ध सुता गंगा जल सी, शुद्ध सुता गंगा जल सी, जिन पुर के मैं तम ढकने लगे, ए भारत माते कह दियो मारे तेरे पूत दाम ते बिकने लगे, ओ सीना खुलिया मार बाला। मुगलों में व्यंजन परसेंगे, जब दासी करे आरता तेरा नफरत के दिन दरसेंगे, मेरी चिता जले मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और दिल्ली के नर हरसेंगे, मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और दिल्ली के नर हरसेंगे, आंसू बरसेंगे तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, मेरी हार पे हीरे फिकने लगे, अरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे, अरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे, बिकने लगे। वाह साहब वाह। क्या कह रहे साहब,
वैदिक विद्वान कवि इस देश में हुए, उन्होंने लिखा कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। वाह। मेरे भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद कर दिया घर के ही गद्दारों ने। वाह। न्यू कहने लगे महाराणा प्रताप क्या शक्ति सिंह से, हो शक्ति सिंह मैंने और तेने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, पर फर्क जमीन आसमान का है। तू गुलामी करता है और मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मर रहा हूँ, और तू भाई होकर के मुगलों की गोद में बैठ गया। सन मुझे जब वीर गति प्राप्त होगी तो आंकलन किया जाएगा तेरा और मेरा कि एक ही माँ के दो बेटे थे। तुझ पे पांचों हथियार हैं और मैं खाली हूं। ओ सजनों कमाल कर दिया तीसरी कली में, क्या लिखा, आज भेड़िए गिड़गिड़ाते हैं उस वक्त भेड़िए मौन थे। आज भेड़िए गिड़गिड़ाते हैं, मैं किसके लिए कह रहा हूं जरा ध्यान देना, आज भेड़िए गिड़गिड़ाते हैं उस वक्त भेड़िए मौन थे। हमें पढ़ाया अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। वाह, जोरदार ताली। प्रताप कौन थे, तीसरी कली सुनिएगा। गुलाम है तू, मुझते झुके बादशाह जैसे, मुझते झुके बादशाह जैसे, जे करता रोज सलाम है तू। मैं मंत्र पढूं गायत्री का और कलमा पढ़ा कलाम है तू। मैं मंत्र पढूं गायत्री का और हराम है तू। देख मैं रजपूत हराम है तू, तोर गंद जरो के चरण लगे। अरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे। अरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे। अच्छी रागनी महाराणा प्रताप के किस्से की चली हुई है। ना जाने कितने लोग इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर के चले गए, लेकिन क्या केवल उनकी कुर्बानी से ही देश आगे बढ़ सकता है? देश का हर एक नागरिक अगर वतन को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वतन आगे जाएगा, क्योंकि किसी ने लिखा है कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना खून बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, क्योंकि आप ही बताइए घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? अरे बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है और जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, ये सारी बातें उनको सूरज
की लाली में रख देती है। और ये देश उन वीरों का देश है जहाँ हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। तो ऐसे ऐसे वीरों का सम्मान करो, उन्हें याद करो। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं उन देवियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ, और इसीलिए इन देशभक्तों के गीत को हथियार बनाकर गाता हूँ। बिल्कुल हथियार बनाकर। प्रेमी श्रोताओं, किसी कवि ने लिखा है कि अगर इश्क और क्रांति दोनों का अंजाम एक ही है, हाँ, प्यार में मर जाते हैं ना लोग। वो नौजवान थे जो देश के लिए मरे, और आज के नौजवान लैलाओं के लिए मर जाते हैं, आशिकी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन लिखा कि इश्क और क्रांति अगर दोनों का अंजाम एक ही है, तो क्यों ना राझे और मजनू से बेहतर है कि तुम भी महाराणा प्रताप बन जाओ। लेकिन जानते समय मानता कोई नहीं। आगे की कली में सुने क्या कहेंगे। आज जब शक्ति सिंह टप टप आंसू बहा रहा है और बोली के तीर महाराणा प्रताप मार रहा है, तो महाराणा ने कहा कि मार भाला, ये छाती तेरे भाले का इंतजार कर रही है। परंतु ओ नालायक, जब मेरी मौत हो जाए, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, तो फिर एक 5 मिनट के लिए भाई मान लेना। और 5 मिनट भाई मान करके कहते हैं सजनों, भाई लाठी का या काठी का, भाई लाठी का या काठी का। तू लाठी का तो नहीं हुआ, तू दुश्मन के साथ लड़ा, पर मेरी काठी का हो जाना। अंतिम बात कह रहा हूं, महाराणा जीवन में कभी नहीं रोया, पर भाई को दुश्मन के रूप में देख करके भावुक हो गया। और सजनों, भावुक मन से यूं कह दिया वाला, क्या मुगलों ते दूर हटा देना, अरे मुगलों ते मेरा गात छुवे ना, मुगलों ते मेरा गात छुवे ना, मत ना पुण्य घटा देना। हम दोनों, मैं और मेरा चेतक, वो भी मर गया और मैं भी मरने वाला हूं, हम दोनों देश शहीदों को एक चिता के बीच लिटा देना, हम दोनों देश शहीदों को चिता के बीच लिटा देना, हम दोनों देश शहीदों को चिता के बीच लिटा देना। इतिहास में कमी छटा देना, इतिहास में कमी छटा देना, गुरु शरणदास कवि लिखने लगे।